परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। मुझे डिस्चार्ज चाहिए, मेरे हस्बैंड का डिस्चार्ज चाहिए। हमारा भाई वापस करवा दो। कोई तो होगा, सीनियर बंदा कोई है, उनको बुला। जयपुर के खंडाका अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हुई है। कल रात यहां पर जमकर हंगामा मचा है और तोड़फोड़ की गई है। केजीएमयू के ठीक सामने है और इनका कहना है कि इनके पास कोई बेड खाली नहीं है। जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की रफ्तार में सरकारों के दावे हवा में उड़ रहे हैं। 24 घंटे में नए केस 3,60,000 के पार और करीब 3,300 लोगों की मौत हो गई है। यानी हर मिनट 250 लोग कोरोना के देश में शिकार हो रहे हैं और हर मिनट लगभग 2 लोगों की जान जा रही है। दिल्ली में हालात को लेकर कोर्ट की फटकार के बीच कोरोना के मामले 24 घंटे में 24,000 बढ़ गए हैं और 381 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में दावों ने भी तोड़ दिया है दम। राज्य में 24 घंटे में 895 लोगों की मौत हो गई है। ऑक्सीजन के लिए तड़पती सांसों के बीच पिछले 8 महीने की नाकामी के बाद अब आनन फानन में ऑक्सीजन मुहैया कराने की कोशिशें आधी अधूरी ही साबित हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से जान जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन घंटों के हिसाब से मिल रहा है। रोज की इस लड़ाई के बीच जहां एक तरफ क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है, वहीं सरकार दूसरे देशों से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम कर रही है। सोमवार से ही दिल्ली एयरपोर्ट पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आने की शुरुआत हो गई थी। अमेरिका से 636 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं, इंग्लैंड से 95 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं और 495 आने वाले हैं। कल आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आने वाले हैं, हांगकांग से 800, सिंगापुर से 250 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आने वाले हैं, चीन से 800 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आ चुके हैं। हालांकि सबसे बड़ा ऑर्डर एक चीनी कंपनी को गया है जो 18,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजेगा। वहीं एक दूसरी चीनी कंपनी को 7,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का ऑर्डर मिला है। क्या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का राज्यों को सही आवंटन हो रहा है? क्या परिस्थितियां मई के महीने में बेहतर होंगी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया से कोविड के खिलाफ लड़ने में एयरफोर्स की तैयारियों का भी जायजा लिया। इधर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए भी राजधानी दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कवायद शुरू हो चुकी है। फिर आखिर ये तमाम कोशिशें बेअसर क्यों साबित हो रही हैं? रोजाना कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों का दम निकाल दिया है और अब हर कोशिश नाकाफी ही साबित हो रही है। दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच हर घंटे लोगों की जान पर बना रही है। मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।